وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسٹیج پر جلوہ افروز سبھی علماء اکرام میرے سامنے بیٹھے محترم بزرگوں नौजवान दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अमूमन मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है कि मैं उलमाए इकराम जब रहते हैं वहाँ पर कोई बात नहीं रखता हूँ, क्योंकि उलमाए इकराम से जितना सुना जाए उतना ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा होता है। मगर मौलाना दरियाबादी साहब का हुक्म है कि दो जुमले आप लोगों के सामने मैं भी अपने रखूँ। पहला तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को और हमारे दोस्त सलीम भाई को जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने यहाँ पर आज इंतकाब किया। हमारे दोस्त वारिस पठान साहब ने पूरे इस्लाम को दो जुमलों में आपके सामने रख दिया। आज इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में एक साजिश के तौर पर इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को बदनाम करने के लिए इस्लामिक टेररिज्म करके एक हवा बनाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोग वेस्ट के अंदर मगरिब के अंदर ये लोग कहते हैं वो भी ये जानते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, मगर दुनिया पे कब्जा करने के लिए अपना सर बुलंद करने के लिए ये झूठ का एक पिक्चर वो हमारे सामने लेकर आए हैं। हमारी जिम्मेदारी इस देश के अंदर और इस मुंबई के अंदर बनती है कि हम अपने आसपास में जो है जो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं उनको गैर मुस्लिम के सामने भी रखें। एक छोटी सी बात है मगर उसके अंदर इस्लाम की मोहब्बत अपने हम वतनों के साथ में उसमें सामने आ जाती है। अगर हमारा को ये बताया गया है कि हमारे घर के 40 कदम दाएं बाएं आगे पीछे अगर कोई भूखा है तो हमारे ऊपर खाना हराम है, पहला हमको हक बनता है कि उनके बच्चों को खाना खिलाएं। कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि 40 जो घर है वो मुसलमान के होने चाहिए, कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि 40 घर जो इस्लाम को मानने वाले और जानने वाले होने चाहिए। 40 घर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अगर आपका पड़ोसी किसी भी मज़हब का है तो आप उसको पहले खाना खिलाइए बाद में अपने खुद खाना खाइए। ये इस्लाम है, ये अगर हम लोगों को बताने के अंदर कामयाब हो गए तो ये अमेरिका रशिया लंदन इनकी तमाम कोशिशें फेल हो जाएगी। और दूसरा जो काम हमको करना है आज ये प्लेटफॉर्म है और मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूँगा कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पे साजिश के तौर पर हमारी नस्लों को ख़त्म करने के लिए हमारी नस्लों को खोखला करने के लिए यहाँ पे ड्रग्स बेचा जा रहा है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी बिल्डिंग वाला हमारी गली वाला उसका आदि हो गया है तो उसको उस लानत से छुड़ाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये ऐसे ही जो ऐसे कुछ बच्चे गुमराह हो जाते हैं और पूरा इस्लाम का नाम ख़राब हो जाता है। तो पहले कि हम ये कोशिश करें कि हम अपने आप को हमारे नौजवान बच्चों को जज्बाती ना होने दें और उसके साथ में उनको भटकने ना दें, यही हमारी जो है आज की इस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि उलमा इकराम ने बड़ी तवील गुफ्तगू की होगी और इस्लाम के बारे में और इस्लाम के जो फ़र्ज़ है वो आपके सामने रखे होंगे। बस इन दो बातों के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।